Good morning, dear students. Again, we will start with our stuff. That is the moving charges and magnetism. Yesterday, we started with the derivation for magnetic field on the axis of the circular coil. Yesterday, I gave you the idea, just idea about how it will come. Okay, today we will have a deep overlook over the formula for magnetic field on the axis of a circular coil carrying current. So, you may today we may derive that equation. This is my coil. A is the radius of the coil. This is the center of the coil. And from the center, I may consider this to be the x-axis. So I will suppose here the point P, which is at a distance x from the center of the coil. क्या किया मैंने कॉइल लिया है कॉइल से करंट कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस है ना तो अभी आई विल टेक रेडियस ऑफ द कॉइल टू बी ए डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल टू बी एक्स वेयर द पॉइंट इज पी एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी थोड़ा पहले हर टाइम करते हैं वैसा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द लेंथ एलिमेंट दिस एवरीथिंग इज लाइक दिस इट इज नॉट लाइक दिस आपको बोर्ड पे बताने के लिए ऐसा लिखना पड़ता है लेकिन ये कॉइल ऐसी है यहाँ पे सेंटर है ये कॉइल ऐसी है देखो बेटा आगे आता हूँ थोड़ा मैं ये कॉइल ऐसी है यहाँ पे सेंटर है करंट जा रहा है कॉइल में से कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है और यहाँ पे आपका पॉइंट पी है ये डिस्टेंस है आपका एक्स ये कॉइल जो है उसका रेडियस है ए तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे मैं जो एलिमेंट ले रहा हूँ उसको मैं बोल रहा हूँ डी एल तो ये डिस्टेंस को मैं मानता हूँ अपना आर ये डिस्टेंस को मानता हूं मैं नाउ ड्यू टू दिस एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी समवेयर हियर डाउन एंड आई विल कंसीडर वन मोर एलिमेंट व्हिच इज एग्जैक्टली एट द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ये और इस एलिमेंट से अगर मैं इसको जोड़ दूं तो यहाँ पे मेरा ये बन जाएगा तो बाय सिमेट्री आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा अगर हम ज्योमेट्री यूज करेंगे तो ज्योमेट्रिकली इसको अगर मैंने थीटा पकड़ा तो दोनों का भी थीटा होगा क्योंकि ये डायमेट्रिकली अपोजिट है तो ये बन जाएगा आपका 90 माइनस थीटा बन गया आपका ये बन जाएगा फिर से थीटा और ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा ये आपको ध्यान में रखना तो यहां से क्या होगा मेरा जो dB है किसी एक का कंसीडर करो कि दोनों का नहीं एक का कंसीडर करो तो मेरा ये बन जाएगा dB आराम से देखो बेटा एकदम ठीक से देखो तो इसका ये कंपोनेंट बन जाएगा dB पैरेलल विल बी डी बी कॉस 90 माइनस थीटा तो ये कितना बन जाएगा डी बी साइन थीटा बन जाएगा मेरा डी बी परपेंडिकुलर का क्या होगा बेटा हर एक डी बी परपेंडिकुलर जो है एक यहां पे आएगा और एक यहां पे आएगा सो ईच डी बी परपेंडिकुलर will be cancelled due to other each db perpendicular will be cancelled due to other dusre ki wajah se ye db perpendicular aapka cancel ho jayega and resultant magnetic field due to
due to DL will be DB dash will be DB sine theta. कितना हो जाएगा? DB dash will be DB sine theta. अभी फिगर का यूज करते हैं. ये जो आपको फिगर दिया है थीटा है, ओके okay. इसको परपेंडिकुलर लेना है आपको, ओके okay. ये थीटा, ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, ये आर हो गया, तो साइन थीटा कितना बन जाएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये इतना ऐसा बन जाएगा. और भी है जो आर है, आर कितना बन जाएगा? आर बन जाएगा रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. मतलब उसको ऐसे भी बोल सकता हूं मैं, आर विल बी एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेस्ट टू वन बाय टू. ये डेरिवेशन आपको ध्यान में रखना है, फॉर बोर्ड दे मे आस्क एज अ डेरिवेशन, अदरवाइज डायरेक्टली वॉट एवर द फॉर्मूला एट लास्ट वी विल फाइंड दैट फॉर्मूला विल बी यूजफुल फॉर यू व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सो डोंट वरी अबाउट दैट. कल थोड़ा मेरा जल्दबाजी में हो गया तो मैं बोला ठीक है नेक्स्ट पीरियड वी विल कम्प्लीट दैट, इसीलिए मैं आज इसको लेके आपका लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ. बिकॉज यस्टरडे वी वेर हैविंग दैट स्ट्रेट कंडक्टर ऑल्सो, सो दैट वॉज ऑल्सो देयर, मैग्नेटिक डायपोल ऑल्सो देयर, तो वहाँ पर थोड़ा गाइगे में हो गया, ओके okay. तो यहाँ पे भी आराम से करेंगे, अभी कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें आपको मालूम है. अभी क्या करने का है, तो आप इधर लिख सकते हो साइन थीटा का वैल्यू कितना लिखा मैंने, साइन थीटा लिखा मैंने ए अपॉन आर, और आर का वैल्यू कितना लिखा, हाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, ये दो वैल्यू मेरे को मिला. और db का वैल्यू कितना, db डैश कितना मिला, db साइन थीटा, मतलब अभी उसको निकाल के रखते हैं, db मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन r, तो db इंटू a अपॉन r का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट टू द पावर हाफ, ये मेरे को db डैश मिल गया. अभी इसके वैल्यू बाद में डालेंगे यूजिंग बायट-सेवर्ट्स लॉ, ओके. तो अगर इसको हटाएंगे तो भी अपन का काम चल जाएगा, ठीक है. तो इसको लिख के लो, इसके बाद में हम जाएंगे आगे वाले डेरिवेशन के. पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन. नाउ बेटा एज वी कम स्टार्ट विथ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, आई मे राइट टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इंटीग्रेशन डीबी डैश, जो मैंने इसका लिखा है तो कितना बन जाएगा, इंटीग्रेशन डी बी ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो हम इसका वैल्यू डालते हैं, तो बी कितना बन जाएगा, डीबी का वैल्यू डालो, डीबी का वैल्यू कैसे आएगा, डीबी डीबी db mu naught upon 4 pi I dl cross r cap upon r square. बन गया. तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, पहले r का वैल्यू मत डालो, इधर ये डालो डायरेक्ट. तो ये डायरेक्ट अगर मैंने लिखा db dash is equal to, अभी db कितना और ये db कितना, db आएगा mu naught, अभी लिखा मैंने 4 upon 4 pi I dl cross r cap upon r square. तो ये वैल्यू इधर डालता हूँ मैं, तो कितना बन गया, इंटीग्रेशन डीबी की जगह मैंने क्या लिखा, म्यू नॉट आई सॉरी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन आर, ये ए अपॉन आर बन गया. अब यहाँ पे ये dl क्रॉस जो r जो है, ये भी एंगल जो है जो मैंने लिया है एंगल एट दैट डिस्टेंस, तो ये जो dl है और वो उनके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल आता है, वो ये ट्रायंगल का एंगल नहीं है,
दैट इज नॉट द एंगल फॉर द ट्रायंगल, ये आप समझ के लो, दैट इज द एंगल दिस, ये में हम देखते हैं ना ये ऐसा, यहाँ पे अगर मैंने एलिमेंट रखा, यहाँ पे पॉइंट, ये जो एलिमेंट का एंगल बनते थीटा, वो तो वो यहाँ पे 90 डिग्री आता है और साइन 91 आता है, तो ये इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन ओनली राइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, इंटीग्रेशन वैसे रखता हूँ, बाद में सबको बाहर निकालता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, हाँ आई डी एल साइन 91 आएगा ए अपॉन आर क्यू। तो अभी सब कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकालते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन डी एल, इंटीग्रेशन डी एल अभी लेते समय अगर मैंने ये डी बी साइन थीटा वगैरह ये सब लिया है तो मेरे को इंटीग्रेशन लेते समय आई हैव टू टेक केयर ऑफ इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू 2 पाई ए। तो अगर मैंने उसको 0 टू 2 पाई ए लिखा तो मेरा क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, इसका इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा 2 पाई ए। तो ये पूरा बन जाएगा मेरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए इंटू 2 पाई ए अपॉन आर क्यूब, पाई ने पाई को काटा, 2 ने 4 को काटा, 2 मिल गया, तो मेरे को क्या मिल गया बेटा यहाँ पे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अभी यहाँ पे r का वैल्यू डालने का, तो r का वैल्यू डालने के बाद मेरे को मिल गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट है ना, रूट का मतलब रूट एम का क्यूब, अगर आपने रूट एम का क्यूब निकल तो रूट एम मतलब एम टू द पावर हाफ उसका क्यूब, तो 3 × 1/2 तो बन जाएगा 3/2 मिल जाएगा आपको, मिल गया ब्रैकेट रेस टू 3/2, इसको बोलो आई एम पी। तो ये आपका बन गया जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन फॉर बी। तो कितना बन गया, अगर आपका ये लूप है तो लूप की वजह से आपका जनरल इक्वेशन मिल गया मी नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 3/2 हो गया बेटा। ओके तो यहाँ से अभी हम चालू करें, तो फ्रॉम यस्टरडे वॉट एवर आई हैव टॉट यू, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ। तो अभी इसको देखने का जरूरत नहीं, ये सब हटा दिया तो भी चलेगा। तो अभी फर्स्ट वी विल राइट दैट इक्वेशन अगेन, तो जनरल इक्वेशन क्या मिल गया मुझे, जनरल इक्वेशन मिल गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 3/2। ये कितने नंबर के लिए, फॉर वन टर्म ऑफ कॉइल, अगर कॉइल को वन ओनली टर्न है, कॉइल को एक ही टर्न है आपका, अगर कॉइल का टर्न एक ही है तो आपको इक्वेशन मिलेगा ये। अभी क्या हो जाएगा, अगर कॉइल को एन टर्न्स है, ये मिल गया नंबर वन। नंबर टू, फॉर अ कॉइल हैविंग एन टर्न्स क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका बी इज इक्वल टू, इसको कुछ नहीं एन से मल्टीप्लाई करो, मी नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 3/2। ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, इसको बोलो आई एम पी वन, इसको बोलो आई एम पी टू, ये बन गया आपका इक्वेशन। सो दीज आर द टू इक्वेशन विच वी विल यूज रेगुलरली फॉर गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये किसके लिए होगा, ये होगा कॉइल के लिए, अ कॉइल हैविंग एन टर्न्स कैरिंग करंट I एंड वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। सो x क्या बन जाएगा, x वेयर
आपका x क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल, कॉइल के सेंटर से आपके जो पॉइंट लिया आपने उसका डिस्टेंस कितना हो। सो दिस कम्स फॉर वन टर्म, ये फॉर एन टर्म। ओके, तीसरा फॉर्मूला इसका ही बनता है, केस। केस क्या है, अभी इफ यू विल टेक एट द सेंटर, तो सेंटर के लिए क्या बन जाएगा बेटा, ये कॉइल है, ये मेरा एक्स है, और यहां पे देखा तो एक्स कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। एट सेंटर एक्स क्या बन जाएगा आपका, जीरो बन जाएगा। तो एट सेंटर अगर आपने लिया तो आपका एक्स बन जाएगा जीरो, तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस जीरो ब्रैकेट रेस टू थ्री बाई टू। तो कितना बनेगा बेटा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू, मतलब ए क्यूब बन जाएगा, ए क्यूब को ए स्क्वायर काटेगा तो आपको मिलेगा, तो बी मिलेगा आपको म्यू नॉट एन आई अपॉन टू ए। May not n i upon 2a, ये भी important है, इसको भी note down करो, important 3 for ps, ये भी आता है for ps, आपको problem solve करने के लिए ये दोनों formula आता है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा है, अगर coil है n number of turn है तो at any point from the center अगर आपको देखना है x is the distance तो आपको आएगा mu not n i a square upon 2 a square plus x square bracket raised to 3 by 2, समझ गए बेटा। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, mu not n i a square upon 2 a square plus 0 किया, x 0 क्यों किया, at the center of the coil, मतलब center पे अगर है, center पे magnitude कितना आएगा, इतना आएगा। अभी पकड़ते हैं नंबर फोर, एट अ डिस्टेंस एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, मतलब कॉइल जो जितना है मेरा डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इन कंपैरिजन विथ ए एक्स इज वेरी हाई, मतलब ए को निग्लेक्ट कर सकते हैं, कौन से वाले, नीचे वाले, यहां को निग्लेक्ट नहीं करने का, तो b कितना बन जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू इन टू सॉरी एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू इन टू, इधर a को निग्लेक्ट करने का, इधर इधर खाली x रखने का, एक्स स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू, तो कितना बन गया देखो अभी, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर ओके टू एक्स ओके। अभी इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, कैसे करते हैं, इसको मैं क्या करता हूं, टू से मल्टीप्लाई, टू फोर पाई से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, इधर लिखता हूं म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, क्योंकि नहीं तो ऐसा करता हूं, डायरेक्ट लो, डायरेक्टली इसको ही मैं क्या करता हूं, आई विल मल्टीप्लाई बाय फोर पाई, एडजस्टमेंट है बाकी कुछ नहीं है, डिवाइड बाय फोर पाई, तो आपका कैसे बन गया देखो, म्यू नॉट एन आई फोर पाई में से पाई इधर ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, पाई ए स्क्वायर इंटू फोर डिवाइडेड बाय फोर टू जा
नहीं तो 4π इधर रखता हूँ, 4π 2x² बन गया। तो इसको अभी ठीक से एडजस्ट करते हैं, आपको मिल गया आपका इक्वेशन। तो यहाँ पे हम इसको दोनों को लिख के लो, जस्ट नोट डाउन दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस, अगेन आई विल कम फॉर दैट ओवर। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट डू द थिंग लाइक दैट। क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने लिखा भी बी म्यू नॉट अपॉन 4π। अभी देखो मैंने आपको बताया था अगर ये कॉइल है, ये इसका करंट है, हाँ ये ऐसे ऐसे है, तो यहाँ पे आपका आएगा नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, और साउथ टू नॉर्थ आपका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, और वो कितना आता है NIA, और A कितना आता है πr², तो यहाँ पे रेडियस कितना है, अगर A रेडियस है तो एरिया कितना आएगा πa² विल बी एरिया A, तो ये मेरा बन गया एरिया A, N तो है I तो है। ओके देखो देखो, 2 मिनट के लिए इसको भी रखता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के लो कैसे निकाला मैंने। तो ये जो एन आई और ये πa² मतलब आपका एरिया बन गया, इसको बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो आप, बोल सकते हो क्या बोल सकते हो एरिया। तो एन आई ए की जगह आप डाल सकते हो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसीलिए मैंने आपको पहले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सिखा के रखा। तो यहाँ पे मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, तो यहाँ पे इसको लिख के लो पॉज करके, होगा ओके ओवर। ये बन गया बेटा एन आई ए, इसको हटा देता हूँ, मतलब इधर टू टू बच जाएगा, मतलब 2NIA अपॉन x². तभी NIA की जगह किसको रखूंगा मैं, NIA की जगह लिखूंगा M, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको क्या लिखूंगा M इज इक्वल टू NIA, और A क्या है अपना πa², तो मेरा कितना बन गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2m अपॉन x² ए सॉरी हाँ यहाँ पे x² नहीं आएगा ना, अरे यार आप मैंने आप आपने मेरे को बताया नहीं, ये क्यूब है ना, 3/2 है तो 2 2 निकल जाएगी, क्यूब आ क्यूब आएगा, वेरी सॉरी, यहाँ पे भी क्यूब आएगा, यहाँ पे भी क्यूब आए, सॉरी। तो ये जो रिजल्ट है ये VIMP है, ऑलवेज कम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। So in this way, we have discussed various cases for the coil, how we can calculate the magnetic field due to a current carrying circular coil. आपको समझ में आएगी? Okay. So note down that, and you may have different problems depending on these all four. Okay? Okay. तो इसको टैबलेट करते हैं, टैबलेट कैसे करेंगे, जैसे हमने बायोट सीवर्ट्स लॉ के केसेस टैबलेट किए थे वैसे ही ये केसेस हम टैबलेट कर सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ फॉर्मूली फॉर कॉइल केस, तो पहला क्या बनेगा, जनरल क्या बन गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन टू हाँ ए स्क्वेयर प्लस x² ब्रैकेट रेस टू 3/2 एट सेंटर, सेंटर कितना हो गया, एक्स को जीरो किया तो ए अपॉन ए स्क्वेयर अपॉन ए क्यूब, तो 2a बन गया, मी नॉट एन आई अपॉन 2a एट लार्जर डिस्टेंस, तो एट सेंटर मैंने क्या किया, हाँ एक्स को जीरो किया,
larger के लिए x very very greater than a, तो मैंने कितना किया averaging, mu not upon 4 pi 2 m upon x cube, और इसको ही कैसे लिखेंगे, हाँ mu not upon 4 pi 2 n i a upon x cube, और ये a कितना बन गया मेरा, a है मेरा pi a square. ये तीन केसेस है, दे आर यूजफुल वेन एवर यू विल डील विद द प्रॉब्लम्स इन द प्रॉब्लम्स ऑफ टाइप फॉर द कॉइल. सो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स सो दैट यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. ओके, तो हमने स्टार्टिंग से पूरा सीख लिया है, बायोट सेवर्ट्स लॉ भी सीख लिया, बाद में उसके एप्लीकेशंस भी सीख लिए, हमने ये भी सीखा है, अभी छोटा छोटा प्रॉब्लम भी आपको करना पड़ेगा. टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू सम शीट, ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट शीट यू मे सॉल्व द प्रॉब्लम्स. तो वो प्रॉब्लम का भी सॉल्व करने का आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको नोट डाउन करो, या आपने नोट डाउन किया होगा तो नो प्रॉब्लम. सो दैट वॉज द थिंग. ओके, we will start to solve the problems. अपन अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करेंगे. ओके, तो आपको 20 जून नाम का पीडीएफ मिलेगा, 20 जून नाम का पीडीएफ मिलेगा, एंड यू आर सपोज टू स्टार्ट विद द पीडीएफ. तो अभी तक आधे घंटे में हमने जो सीखा है, दैट ऑल वेयर विद द फॉर्मूली, हाउ टू डिराइव देम, हाउ टू गो विद दैट, सो दैट ऑल वॉज अबाउट द फॉर्मूली. तो कॉइल का दिया है, बायोट सेवर्ट्स लॉ का दिया है, एवरीथिंग आई हैव गिवन. ओनली नाउ वो करने से नहीं होगा, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं या ये भी आपको पता होना चाहिए. सो आई विल स्टार्ट विद वन बाय वन प्रॉब्लम्स. यू मे फर्स्ट गो थ्रू द शीट 20june.pdf, ऐसा शीट का नाम है, आपको मैंने शेयर किया है. जस्ट गो थ्रू दैट शीट एंड वी विल स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर वन. लेट मी रीड द प्रॉब्लम एंड देन वी विल गो फॉर सॉल्विंग इट. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैंने उधर दिया है, मतलब फ्रॉम द lecture, if you are not able to understand whatever it is there, any doubt is there, so first see the solution. Still if you are having any doubt, then at the time of doubt session you may ask me, or anytime you may ask me about the doubt. So we'll start with that problem. Mein padh leta hu aapka problem number 1, aapka aapke ek sheet mein uska hoga question number 1 in your pdf. to thoda dekh lo, let me give you some time to read that. tabhi tak main khud se read karta hu usko. प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम. अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8.0 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल. अभी सिखाया था, ओके, अभी हमने क्या सिखाया था, कॉइल के सेंटर में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पकड़ना है, कॉइल का रेडियस कितना दिया था a, x को कितना बनाओगे, x को बनाओगे 0, और अभी फॉर्मूला आपने लिखा था, फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, अरे बेसिक फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, mu not n i a square upon 2 a square plus x square. अब इसको क्या बनाया था आपने, x you call it at to be 0, x को आपने 0 बनाया. अगर x को 0 बनाया है आपने, if you have made x 0, तो ये इधर 0 बन जाएगा, ये भी bracket is to 3 by 2 है उसको, और इसका ये square, तो ये square और ये 2, ये हट जाएगा, ये cube बन जाएगा, ये बन जाएगा a square upon a cube. अगर ये बन जाता है ऐसा, तो आपका formula बन गया था, अभी दिया था
ni अपॉन 2a। अभी देखो शीट में, आप देखो आपको क्या क्या दिया है, एक बार पढ़ के बता दो आपको। सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न्स, मतलब n की आई कितना दिया आपको 100। रेडियस कितना दिया है, a दिया है 8.0 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको 10^-2 मीटर। बाद में क्या दिया आपको, करंट दिया है, I दिया है 0.40 एम्पियर, और क्या दिया है, क्या पूछे आपको, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अभी क्या है आपको फॉर्मूला यूज करना है। ये हो गया आपका गिवन, ये हो गया सब आपका गिवन। अभी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसको, लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कैसे बन जाएगा बेटा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन कितना है 100 इंटू करंट कितना 0.40 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय A कितना दिया है 8^-2 एंड इन द लास्ट लेक्चर यस्टरडे आई शोन यू द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट कितना है बेटा 4π×10^7। ओके तो कितना बन गया आपका, ये बन गया आपका B is equal to 4π×10^7 into ये 0.40 into 100, मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 0.4 into 100, मतलब ये बन गया 40। ओके डिवाइडेड बाय ये 8 × 2 = 16 और ये माइनस 2 ऊपर जाके इसको प्लस 2 करते हैं तो ये 8 × 2 = 16 हो गया। ओके तो ये पूरा बनाया मैंने तो 4 × 4 = 16 हो गया 16π। ये जीरो इधर एडजस्ट किया मैंने 3 7+3 10 हो गया × 10^10/16। तो ये जो वैल्यू मिल गया आपको इसका पाई × 10^10। ओके अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है तो यू हैव टू एडजस्ट वॉट एवर दैट वैल्यू इज देयर। आंसर कितना दिया है आपको 3.14 × 10^-4 दिया है। अभी ये क्या हुआ माइनस 4, ये कैसे आएगा ये दिखा दो आपको। पाई का वैल्यू 3.14, ये आपका माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस आएगा तो ये बन गया बराबर। ये इसका एक ये माइनस 7 है, ये 10 नहीं आएगा तो ये माइनस 7 है, ये 2 है और ये 1, 2 और 1 3, 7 में से 3 निकल गया, ये बन गया माइनस 4। यहाँ पे एडजस्ट करो इसका वैल्यू टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो ये आ गया आपका 3.14 मतलब पाई मल्टीप्लाइड बाय 10^-4। इसको टेस्ला बोलते हैं, गॉस भी बोलते हैं। ये आपका बन गया मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने कैसे निकाला, वी हैव स्टार्टेड विद द बेसिक इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मी नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 × a² + x² (3/2) एक्स को जीरो कर दिया, मेरे को डायरेक्टली इक्वेशन मिल दिया, इक्वेशन में वैल्यू डाल दिया। 10 का पावर एडजस्ट करो, ठीक रखो उधर, जैसे मैंने इधर पहले 7 किया था वैसे मत करो, ये माइनस 7 ये ध्यान में रखो। अगर आपको मी नॉट अपॉन 4π का वैल्यू दिया तो क्या करोगे आप, यू विल नॉट पुट 4π, यू विल ओनली राइट 10^-7। अगर ये पूरा करते हो आप तो आपका आंसर आ जाए। इधर मैंने क्या किया 4 × 4 = 16 किया, 10 इधर एडजस्ट किया, 2+1 = 3 हो गया, ये 3 है ये माइनस 7 ये माइनस 4 बन गया, ये पाई × 10^-4 ये बन गया 3.14 × 10^-4 टेस्ला। सो दैट वॉज द आंसर फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम। किसी को डाउट है तो लिख के लो, पॉज द वीडियो, राइट इट, प्रिंट इट इन योर नोटबुक। We'll start with the problem number 2. Okay. You see the question number 2 in your PDF. See the question number 2 in PDF. Problem 2. आपको देखना है question number 2 in your PDF. Question number 2 क्या आता है बेटा आपका? Question number 2 is A long straight wire carries a current of 35 ampere. I कितना दिया आपको? 35 ampere दिया. What is the magnitude of field at the point 20 centimeter? At the point 20 centimeter. 20 centimeter मतलब कितना? 0.2 meter from the wire. B पूछा है आपको. अभी स्ट्रेट वायर जब देते हैं तो
अपना फॉर्मूला क्या आता है बी का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन डी एन, बराबर। और ये लॉन्ग दिया है तो ये आपका एल बन जाएगा। तो एल के लिए अभी क्या करते हैं, इसके इसको लिखने के लिए आपको उन्होंने जो दिया है वहां में क्या दिया है आपको, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, ओके। अभी ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप यूज नहीं करोगे, लॉन्ग स्ट्रेट दिया है। लॉन्ग स्ट्रेट का मतलब क्या है, अभी हम स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। ये दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, करंट दिया है I इज इक्वल टू 35 एम्पियर। अगर ये इतना है तो ये कौन सा केस लेने का, टेक द केस फॉर केस ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टर। लॉन्ग बोले ना, इनफाइनाइट का मतलब लॉन्ग कंडक्टर, लॉन्ग इनफाइनाइट लेंथ, इधर बोलेंगे इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा कितना, जीरो, अरे सॉरी अल्फा जीरो नहीं, अल्फा कितना 90, सॉरी वेरी सॉरी, अल्फा कितना 90, बीटा भी कितना 90, तो ये बन जाएगा 1, ये भी बन जाएगा 1, तो मेरा आंसर कितना आया, मी नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 2, ये 2 इधर, ओके कैंसिल हो गया। सो कितना आएगा, मी नॉट अपॉन, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो कि कैंसिल करने की बजाय, 4 पाई का वैल्यू है ना अपने पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, अभी डी को क्या बोलेंगे अपना, आर बोलेंगे, ओके। तो आपके यहाँ सॉल्यूशन में उन्होंने आई अपॉन आर दिया है, लेकिन उन्होंने उन्होंने 2 पाई लिया है, बराबर ना। तो इधर मैंने क्या बोला आपको, मैंने लिया है 4 पाई और इधर लिखते समय इसको लिखा है 2, तो इसके इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। तो अभी लिखते हैं वैल्यू निकालते हैं, बी विल बी, V naught का वैल्यू कितना, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू करंट कितना है 35 डिवाइडेड बाय R कितना है, D का मतलब आपका R आएगा, ये R 0.2, तो ये 4 पाई ने 4 पाई को काटा, B मिल गया आपको 2 का, ये 0.1 हो गया, तो ये 0.1 ऊपर जाके 0.1 इंटू 10⁻⁰, तो ये ऊपर जाके प्लस 1 हो गया, तो ये 335 इंटू ये प्लस 1 मतलब इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। लेट मी चेक द आंसर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, कितना आ रहा है आंसर आपका, 3.5 इंटू 10⁻⁶, ठीक ठीक चलता है, ये 35 किया मतलब ये 1 पॉइंट एडजस्ट किया, नो प्रॉब्लम, ओके। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये सेम है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसको अभी पहले पूरा करके लो, आई विल नॉट गो फास्ट बिकॉज यू हैव टू कम्प्लीट दैट ना, सो आपके लिए रोकता हूँ, इसको पूरा करो, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये आपको समझ गया है, हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम, ओके, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो चलो आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, अभी देखो बेटा प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको क्या क्या दिया है, वेट फॉर अ व्हाइल, जस्ट वेट। प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको उन्होंने दिया है लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसा लिख, प्रॉब्लम नंबर 3 आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 3 PDF, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ मतलब ऐसे ऐसे रखा है उसको,
आपके सामने, आप उधर है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो करंट ऐसे आ रहा है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको नॉर्थ, इसको बोलता हूँ साउथ, और करंट ऐसे जा रहा है। ओके, और क्या बोले वो देखो अभी, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। अब इसके लिए क्या करते हैं, 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, तो यहां पे बनाते हैं नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, बन गया डायरेक्शन। वायर को कैसे ले लोगे, वायर को लेने का लॉन्ग लिया है, मतलब इनफाइनाइट केस लेने। और यहां पे डॉट डॉट बनाओ, केस कौन सा लेने का, केस लेने का इनफाइनाइट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाँ अभी हमने निकाला था, मी नॉट आई अपॉन 4πd इंटू 2, मतलब ये कैसे बन सकता है, मी नॉट आई अपॉन 2πd भी बना सकते हैं, नहीं तो 2 मी नॉट आई अपॉन 4πd, और d कितना लेना है 2.5 मीटर एट द ईस्ट। तो यहाँ पे लिया ये 2.5 मीटर लिया, सॉरी वेस्ट को लेना, ईस्ट को लेना चाहिए, सॉरी यहाँ पे लिया, ये पॉइंट है अपना, तो ये बन गया मेरा d, कितना बन गया 2.5 मीटर, एकदम सिंपल है। इनफाइनाइट केस लिया, अल्फा कितना बन गया 90, बीटा कितना बन गया 90, अभी करो इसको, अभी करो इसको, अल्फा 90 बीटा 90, मतलब ये करने का जरूरत नहीं है, मतलब ये साइन 91 साइन 91, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया आपको, ये क्या अभी तो नहीं, तो डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू डाल के भी बता सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो करते हैं 1/1, बी इज इक्वल टू मी नॉट आई अपॉन 4πd साइन 90 प्लस साइन 90, दिखाने का जरूरत एक्चुअली नहीं है लेकिन करके दिखाता हूँ, इसका 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा, ये बन जाएगा 2 मी नॉट आई अपॉन 4πd, इसको स्प्लिट करो, मी नॉट अपॉन 4π 2i अपॉन डी, मी नॉट कितना 4π इंटू 10⁻⁷ अपॉन 4π, 4π ने 4π को काटा, 2 मल्टीप्लाइड बाय करंट, कितना करंट कितना जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है ना बेटा, हाँ ऐसे जा रहा है करंट, कितना जा रहा है 50 एम्पीयर, 50 अपॉन 2.5, इसको 25 के थे 500 करते हैं, मतलब आगे 20 आएगा, 22 जा 40 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, 40 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। लेट्स चेक द वैल्यू ऑफ द आंसर, कितना आता है, हाँ बराबर है, तो ये उनका आ रहा है 4 इंटू 10⁻⁶, एक जीरो को हटा दिया तो बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶। अभी आगे उन्होंने क्या बताया वो इम्पोर्टेंट है, अभी आगे देखो, डायरेक्शन ऑफ बी जो दिया है, अप्लाइंग द राइट हैंड रूल वी फाइंड दैट डायरेक्शन ऑफ बी इज वर्टिकली अपवर्ड, ये क्या दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां पर देखना है, ओके ये हो गया मैग्नीट्यूड, अभी डायरेक्शन निकालते हैं। मैं आपको मेरी तरीके से बताता हूं, उनका तरीका छोड़ दो। करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे क्या है नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है, करंट जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पे कैसे जाएगा गोइंग इन मैग्नेटिक फील्ड बराबर, और यहाँ पे कैसे आएगा कमिंग आउट, तो यहाँ पे फील्ड कैसे आएगा टू इधर आएगा, तो फील्ड का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड कैसे आएगा बेटा, डायरेक्शन आएगा अपवर्ड डायरेक्शन। तो मतलब ये वायर है आपका, अगर यहाँ से नॉर्थ से आपकी तरफ, यहाँ पे नॉर्थ है आपकी तरफ साउथ है, नॉर्थ से साउथ को करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अगर देखा तो यहाँ पे ऊपर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, अगर उधर देखा तो नीचे आएगा। तो अगर ये ईस्ट ईस्ट नहीं देते हुए आपको, अगर ये वेस्ट देते हैं तो यहाँ पे आएगा ना वो, तो यहाँ पे वो अंदर जाएगा, तो उधर
नीचे आएगा और यहां पे आपका ऊपर आएगा. दैट वॉज अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 3. इसको नोट डाउन करके लो, इसके बाद हम अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. हो गया बेटा? ओके. अभी लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4. आपका क्वेश्चन नंबर 4 पीडीएफ. आपका क्वेश्चन नंबर 4 पीडीएफ क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं. हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन, क्या दिया आपको? हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन दिया है. कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर. करंट कितना करता है? 90 एम्पियर जा रहा है. इन ईस्ट टू वेस्ट मतलब अगर मैंने इधर निकालने का प्रयास किया तो बाद में निकलता हूं. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन बी. 1.5 मीटर बिलो, 1.5 मीटर बिलो द लाइन, 1.5 मीटर बिलो द लाइन. देखो आराम से देखिए, आपके लिए मैं थोड़ा सा अलग सा करके दिखाता हूं. देखो अभी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है. बिलो मतलब ऐसे आएगा, बिलो मतलब उस वायर के नीचे आएगा. लेकिन इधर मैं ऐसा नहीं दिखा सकता हूं, तो इसको मैं ऐसा दिखाता हूं. ये नॉर्थ, ये साउथ. एक्चुअली ऊपर नहीं होता है नॉर्थ, आगे होता है. दिखाने के लिए मैं ऐसे दिखाता हूं. यहां पे नॉर्थ, यहां पे साउथ, यहां पे ईस्ट, यहां पे वेस्ट. तो बेटा अपना कंडक्टर कैसा है? कंडक्टर है अपना ऐसा. केस कौन सा लेने का? लॉन्ग बोले तो इनफाइनाइट केस लेने का. इसको ऐसे कंडक्टर दिखाता हूं और यहां पे डॉट डॉट बनाता हूं, यहां पे डॉट डॉट बनाता हूं. आपको किधर निकालना है? आपको निकालना है 1.5 मीटर बिलो. ओके, बिलो का मतलब क्या है बेटा? बिलो लाइन ये है ना, ये ऐसी लाइन है, उसके नीचे बराबर. मतलब ये इधर नहीं है, साउथ को नहीं है, साउथ उधर जाएगा. तो ये थोड़ा मेरे को ठीक से दिखाना पड़ेगा. सपोज इसको मैंने नॉर्थ साउथ पकड़ लिया, ये नॉर्थ, ये साउथ. तो यहां पे 1.5 मतलब डाउनवर्ड में. अगर डाउनवर्ड में है, अपना फॉर्मूला तो वही बनेगा ना, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. केस कौन सा बन जाएगा? लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट. केस बन गया इनफाइनाइट. अल्फा कितना आएगा? अल्फा 90, बीटा 90, साइन 91, साइन 91, 1 प्लस 1, 2, बी विल बिकम म्यू नॉट अपॉन 4π 2i अपॉन डी. ये कितना बन गया? सो बी बन गया 4π 10 रेस टू माइनस 7 अपॉन 4π इंटू 2 इंटू आई कितना है? 90 एम्पियर डिवाइडेड बाय डी कितना है? 1.5. सो 15 करते हैं इसको. अभी इसको 15 करता हूँ, इसको 900 किया तो ये बन जाएगा 60. 4π ने 4π को काटा, बी इज इक्वल टू 60 × 120 × 10⁻¹⁷. ये बन गया 1.2 × 10⁻², ये दो किया ना, माइनस 5 टेस्ला. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ? या हो गया. और डायरेक्शन कैसे रहेगा? डायरेक्शन आप बता सकते हो. करंट कैसे जा रहा है? ईस्ट टू वेस्ट ना. करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है.
ओके और बिलो है उसके, और बिलो मतलब नीचे, नीचे कैसे आएगा इसके, तो टुवर्ड्स साउथ आएगा, टुवर्ड्स क्या आएगा साउथ आएगा, देखता हूँ साउथ ही आएगा वो, यस टुवर्ड्स साउथ। ये कैसे दिखाने का ये आपको बता देता हूँ, उसके लिए एक आइडिया है। देखो तभी इधर लिख के लेता हूँ, पहले ऐसा नीचे है ना आपको डायरेक्शन, डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स साउथ। तो बेटा देख लो डायरेक्शन कैसे निकालने का, यहाँ पे आपका कंडक्टर है ऐसे, करंट जा रहा है आई, कहाँ से ईस्ट से वेस्ट तक जा रहा है, तो अभी करंट ऐसे निकाला और मैग्नेटिक फील्ड इसके नीचे देखना है इस पॉइंट पे, तो अभी यहाँ से मैं ऐसे जाऊँगा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, ऐसे जाके यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ईस्ट है यहाँ पे वेस्ट है, तो इधर क्या होगा नॉर्थ होगा और आपकी तरफ साउथ होगा, तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा आएगा ना, करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। तो यहाँ से अगर मैंने ऐसे गया तो मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ दिखेगा, आपकी तरफ मैंने क्या लिया साउथ, यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ, ईस्ट यहाँ पे वेस्ट। तो इसको नोट डाउन करके लीजिए, तो आपने नोट डाउन किया है। अभी इसके बाद कुछ मैंने आपको एमसीक्यू दिया है, तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, दैट एमसीक्यू सेपरेट पीएस सेशन आई विल नॉट गिव यू, ओनली आई विल डिस्कस विथ यू अबाउट दैट। तो पहले आप देख लो वो एमसीक्यू में लॉरेंस फोर्स पे है, ओके तो 1 2 देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ फिफ्थ वन आप पीडीएफ में देखो, पीडीएफ एमसीक्यू नंबर 5, एमसीक्यू नंबर 5 में आपको क्या दिया है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विथ स्पीड वी इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बी, द ई बाय एम फॉर इट, ई बाय एम निकाला है, ये निकालना है आपको ई बाय एम। तो हमने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने क्या पढ़ा था हमने, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी वी है, फोर्स कैसे आएगा अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, तो कैसा एफ एम विल एक्ट एज सेंट्रीपेटल फोर्स। तो एक आपको मैं करके दिखाता हूँ, बाकी जो है प्रॉब्लम वो आप अपने अपने करो, लेकिन एक ये प्रॉब्लम आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि कैसे करना है क्या करना है इधर दिखाता हूँ आपको, क्योंकि उधर कुछ नहीं दिया है, उसका सॉल्यूशन दिया है लेकिन सॉल्यूशन एक लाइन में दिया है, वो भी मैंने आपको दिया है, बट दैट इज ऑफ वन लाइन, सो यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे देखो कैसे करना है उसको, ये बन गया अपना प्रॉब्लम नंबर 5। क्या बन गया अभी, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स, ये कितना बन गया क्यू वी बी, और बी बी और वी के बीच में क्रॉस है ना, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब साइन 90, क्यू वी बी इज इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स, सेंट्रिपेटल फोर्स कितना एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे क्यू क्यू क्या बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, तो ई वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी को वी ने काटा ये वी बन गया, ये एम इधर ले लो ई बाय एम विल बी वी बी अपॉन R, that is BV upon R. This is very important. बहुत important है, आपने अगर किया नहीं है तो इसको एक बार देख लो, और आपके option में देखो, in your option I think option number E by M दिया है ना, oh sorry E by M दिया है ना, E by M लिखा तो V upon B आ रहेगा, सॉरी क्योंकि B नीचे जाएगा ना, V upon B आ रहेगा बराबर, ये B नीचे जाएगा ये V ऊपर रहेगा बराबर, V upon B R, तो मतलब आपका बन जाएगा ऑप्शन A ऑप्शन आएगा आपका, ओके।
सेकंड ले लो, अभी इसके बाद इसको इसको करो, इसके बाद और एक इधर ही लेते हैं हम प्रॉब्लम, तो यहाँ पे लेते हैं प्रॉब्लम पीडीएफ। पीडीएफ कितना आपका, पीडीएफ का 6 नंबर का प्रॉब्लम देखो, 6 एमसीक्यू। यहाँ पे क्या दिया है, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन, सेम है, ऑफ रेडियस आर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बराबर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ले लेंगे, ये बी हो गया। और क्या पूछा है अभी, ऑफ स्ट्रेंथ बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, एक सिंपल है एकदम, इसमें क्या करने का, कुछ नहीं करने का, देखो अभी तो सेम करेंगे यहाँ पे, बी क्यू वी और क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी को वी ने काटा तो वी कितना बन गया, वी कितना बन गया, बी क्यू आर अपॉन एम, ये बन गया वी, बन गया ना, अरे हाँ या ना, बन गया ना। तो अभी टाइम, टाइम पीरियड विल बी टी एंड फ्रीक्वेंसी विल बी 1/T। तो अभी क्या करने का, अपने को यूज करने का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, स्पीड को लेने का अपना वी, वी लेने का, डिस्टेंस ट्रेवल कितना लेने का 2πr, और टाइम पीरियड को टाइम पीरियड लेने का, और 1/T को फ्रीक्वेंसी करने का, तो ये बन गया 2πrf, सो फ्रीक्वेंसी कितना बनेगा, वी अपॉन 2πr, समझ गए बेटा, नहीं समझो देखो बोर्ड पे देखो, अभी वी अपॉन कितना आएगा, वी अपॉन 2πr आएगा, अभी तो एकदम सिंपल है, क्या सिंपल है, अभी क्या करने का, v का वैल्यू डालो, तो आपका बन गया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v, v कितना है, बी क्यू आर अपॉन m अपॉन मतलब 1/2πr, तो r ने r को काटा तो फ्रीक्वेंसी कितना बन, क्यू बी और बी क्यू अपॉन 2πm हो गया, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, बन गया आपका ऑप्शन, देखते हैं अभी कौन सा है ऑप्शन, आपका है ऑप्शन नंबर बी क्यू अपॉन 2π, ए ऑप्शन है आपका, हो गया। तो ऐसा करके आप आई थिंक टाइम इज ओवर टुडे फॉर अवर लेक्चर, बिकॉज नेक्स्ट next people also they may be waiting, so I think I have to conclude today's lecture, so at last I will tell you beta, aaj maine aaj se problem ka solve karne ka chalu kiya hai maine, to beta abhi main aapko aur bhi questions de dunga, and it is solely your duty to go through the questions each and every, solve them perfectly, kuch dikkat bhi aaye to mere ko आप WhatsApp पे भेजो, आई विल गिव इट्स सोल्यूशन टू यू, परफेक्ट सोल्यूशन ऑन WhatsApp। अगर आपको कुछ उसमें भी दिक्कत है तो अपना डाउट सेशन भी है, आई थिंक फ्राइडे को है, आज है, आज मतलब आज कर रहा हूँ कल का वीडियो, मतलब हाँ फ्राइडे को होता है और ट्यूसडे को होता है, तो एट द टाइम ऑफ डाउट सेशन ऑल्सो यू मे आस्क मी यूर डाउट्स, और अपनी जो MCQ की मेजर टेस्ट हो जाएगी जब कभी होगी, फॉर दैट मेजर टेस्ट वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन यू, क्या क्या बताया मैंने, तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ और मेरा लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। ओके इसको लिख के ले लो, तो आपको क्या क्या करना है, आपको क्या क्या करना है वो बता देता हूँ, आपको 4 पॉइंट पढ़ने हैं, लॉरेंट्स फोर्स, सेकंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब ऑल पाथ्स स्ट्रेट सर्कुलर, उसके बाद में हेलिक्स हेलिकल पाथ, ये पाथ के लिए इक्वेशन वगैरह मैंने आपको बताया था वो आपको पढ़ना है, उसके बाद में आपको करना है बायोट सेवर्ट्स लॉ,
उसके बाद में करना है स्ट्रेट कंडक्टर, अभी मैंने प्रॉब्लम लिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, कॉइल ऑल केसेस। अब आज आप क्या करो, ये सब जो केस है, लॉरेंस फोर्स है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये है, ये सब का आप फॉर्मूली इकट्ठा करो, सॉरी, और वो कैसे आते हैं उसका थोड़ा सा देख लो, एंड वॉट एवर द शीट्स आई विल प्रोवाइड यू, डू द प्रैक्टिस फॉर दैट। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, बाय।